नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ITI गुरुजी में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद मात्र इतना ही है कि जो भी आने वाले एग्ज़ाम हो, चाहे वो ITI के हों या कंपटीशन को हो, जैसे RRB हुआ, NTPC का हो गया, कोल इंडिया का स्तर, यानी कोई भी जो कंपटीशन होने वाले हैं, उनमें जो है ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, सारे क्वेश्चन वो 65 या 80% क्वेश्चन उसमें मैच करने वाले हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है ITI के ट्रेड मोटर मैकेनिक से हैं, जो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। ये पार्ट नंबर 3 है और आगे भी पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 ऐसे कर करके हम क्वेश्चन डालते रहते हैं। जो भाई लोग इसको नहीं अब तक देखे हैं या फिर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि जो मैं क्वेश्चन डालता हूं वो क्वेश्चन सही है या गलत, जो है कि उसको ज़रूर कमेंट में लिखें। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, वन है, किस इंजन में स्पार्क प्लग रहता है? ये किस इंजन में स्पार्क प्लग रहता है? इसका उत्तर है दोस्तों, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है। ठीक, कोई भी इंजन पेट्रोल का होगा, चाहे वो छोटे दो पहिए वाली हो या फिर ये फोर व्हीलर हो, ठीक, उसमें स्पार्क प्लग होगा। कोई कोई नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें आजकल कॉमन रेल सिस्टम आ गया है, उसमें जो है दोनों मिक्सर उसमें भी लगा रहता है। और अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, पिस्टन के TDC पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, क्रेस वॉल्यूम कहा जाता है। और इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस इंजन में कंप्रेशन इग्निशन होता है? किस इंजन में कंप्रेशन इग्निशन होता है? तो इसका जो उत्तर है वो डीजल इंजन में कंप्रेशन इग्निशन होता है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या कहते हैं? सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, पिस्टन के अंदरूनी व्यास को बोर कहते हैं, बोर के नाम से हम जानते हैं। ये बोर के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन आपका है, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है, वह बिंदु क्या कहलाता है? पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है, वह किस बिंदु सॉरी बिंदु क्या कहलाता है? दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये इस तरह से आपका पिस्टन हो गया, पिस्टन का जो बोर है इस तरह से हो गया, और यहाँ पिस्टन आता है, मान लीजिए ये पिस्टन का आकार, ठीक, ये कनेक्ट किनार, ये ऊपर अगर यहाँ आता है तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये इस बिंदु को हम TDC के नाम से जानते हैं, इसको TDC कहा जाता है। अब हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों,
कि पिस्टन अपने स्टॉक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक नीचे जाता है, ध्यान देने वाली बात है, नीचे की बात हो रही है, नीचे जाता है वह बिंदु क्या कहलाता है। तो फिर वही क्रिया दोस्तों, ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक, और सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन हो गया, इस प्रकार से, ठीक। ये पिस्टन अगर यहाँ तक बोर है, इसका समाप्ति होता है, इसका ये ऊपर से नीचे यहाँ तक आता है, तो इस बिंदु को ये क्या कहता है, कहलाता है BDC, यानी नीचे वाले बिंदु को हम BDC बोलते हैं। इस प्रकार हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे। समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब हमारे में जो है कि सिलेंडर में जो है कि गैस का मिक्सचर या फ्यूल और हवा का जो मिक्सचर जाता है ये सिलेंडर में, ठीक, यानी कि बोर में सिलेंडर में जाता है, तो वहाँ दो वाल्व लगे रहते हैं, एक इनलेट वाल्व इस तरह से, सॉरी, और एक एग्जास्ट वाल्व इस तरह से, तो ये खुलता है और बंद होता रहता है, ठीक। वो इसकी बात कर रहा है कि समय के बाद वाल्व का खुलना क्या कहलाता है, तो उसको लैग कहलाता है, वाल्व लैग, उसको वाल्व लैग कहा जाता है कि समय के बाद खुलता है। आठवां क्वेश्चन हम देखेंगे कि समय के पूर्व इंजन वाल्व, समय के पूर्व इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। माने जब हमारा सिलेंडर में मिक्सचर आते हैं, फ्यूल और एयर का जब शुद्ध मिक्सचर आता है, उसके पूर्व वाल्व, माने कुछ सेकंड कह सकते हैं, कुछ सेकंड पहले ही वाल्व खुल जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो वाल्व लीड कहते हैं उस स्थिति को, वाल्व लीड। अब हम नौवां क्वेश्चन देखते हैं कि नौ क्वेश्चन क्या है। इनलेट व एग्जास्ट वाल्वों का वह समय जब दोनों वाल्व एक साथ खुले रहते हैं, उस समय को क्या कहते हैं, उस समय को क्या कहते हैं। तो जैसे हम समझाने चाहते हैं, जैसे आपका ये हो गया आपका सिलेंडर, यहाँ आपका मिक्सचर जाएगा और दो वाल्व लगे होते हैं, एक ये हो गया इनलेट और एक हो गया एक एग्जास्ट, तो ये दोनों एक स्थिति में ऐसे आएगा कि एक साथ खुले रहते हैं, दोनों एक साथ यहाँ खुल जाएंगे, यहाँ पर ऐसे खुल जाएंगे, दोनों एक समय ऐसे हो जाएगा कि यहाँ खुले रहते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को वाल्व ओवर लैप कहा जाता है। कि किस इंजन का रेडिएटर छोटा होता है, किस इंजन का रेडिएटर छोटा होता है, तो ये है इसका जवाब, पेट्रोल इंजन का जो रेडिएटर होता है वो सबसे छोटा होता है।